नमस्कार मणिभोज को स्वागत प्रथम देखने हेडलाइंस आज पश्चिमबंग गस्त करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हलदिया 4700 कोटी टंका व्ययरे 4 प्रकल्पर करेंगे लोकार्पण धोबी दुर्गापुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को जाति उद्देश्य करेंगे उत्सर्ग ट्रांसपोर्ट ऑफिस रे लुचिछि प्रफुल्ल विश्वाल हत्या षड्यंत्र गुमर दुर्घटना ना हत्या बढ़ला सन्देह विवाद रे मंत्री प्रताप जेना मंत्री परिवार रो ट्रांसपोर्ट ऑफिस टू किछि दूर रे दुर्घटना कोटिया परे गंजाम रो पात्रपुर उपरे आंध्र रो आखी पंचायत निर्वाचन पई सजपाज पात्रपुर ब्लॉक रो 4 पंचायत रे वोट ने सूचना स्थानीय बासिंदा कहिले ओडिसा अपेक्षा आंध्र रो अधिक चार्ज मिलितबारु आंध्र मुहालोके रोचक मोड़े रेल राजनीति बीजेडी बीजेपी तू तू मे मे भितरे वितर्कर नुआ ट्रेन भुवनेश्वर मास्टर कैंटीन डे खोला वितर्क शासक दल को बीजेपी आह्वान कहला राज्यवासी को दिन में लंठन देखाउछन्ते सरकार राजधानी मुंड विहीन मृतदेह उद्धार घटन चांचल्यकर तथ्य पोस्टमार्टम रिपोर्ट रु स्पष्ट तंटे चिपी हत्या पर मुंड काटिथला अपराधी एवं सामना को आसला पॉप सिंगर रिहाना ब्यूटी पछर डार्टी चेहरा कृषकों बंधु रिहाना शिशु श्रमिकों शत्रु अभ्रखंड शिशु श्रमिकों शोषण होता अभियोग अब देखिबा संपूर्ण खबर आज पश्चिमबंग गस्त करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह अवसर में विभिन्न प्रकल्पर शुभारंभ करिबार कार्यक्रम रही चलित वर्ष पश्चिमबंग को प्रधानमंत्री यह द्वितीय गस्त पश्चिमबंगर पूर्व मेदिनापुर जिलार हलदिया 4700 कोटी टंका व्ययरे 4 प्रकल्पर लोकार्पण वार्षिक 1 मिलियन टन क्षमता विशिष्ट एवं 1100 कोटी टंका व्ययरे भारत पेट्रोलियम द्वारा निर्मित एक एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनाल उद्घाटन होबार कार्यक्रम रही सहित सड़क एवं रेलवे ब्रिज उद्घाटन 348 किलोमीटर धोबी दुर्गापुर प्राकृतिक गैस पाइप लाइन को मध्य जाति उद्देश्य रे उत्सर्ग करेंगे प्रधानमंत्री तेज आज पश्चिमबंग गस्त करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह अवसर में विभिन्न प्रकल्पर शुभारंभ करार कार्यक्रम रही चलित वर्ष पश्चिमबंग को प्रधानमंत्री यह द्वितीय गस्त पश्चिमबंग पूर्व मेदिनापुर जिलार हलदिया 4700 कोटी टंका व्ययरे 4 प्रकल्पर लोकार्पण तेरे वार्षिक 1 मिलियन टन क्षमता विशिष्ट एवं 1100 कोटी टंका व्ययरे भारत पेट्रोलियम द्वारा निर्मित एक एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनाल उद्घाटन होबार कार्यक्रम रही तबे संपर्कित अधिक सूचना पाई फोनलाइन जोड़ी एसोसिएट एडिटर आमर शांतिभूषण मिश्र अच्छा शांतिभूषण जाना चाहिए जो भाव में आज पश्चिमबंग गस्त करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबुठ बड़ कथा हो धोबी दुर्गापुर प्राकृतिक गैस पाइप लाइन को जाति उद्देश्य उत्सर्ग कर जो उद्देश्य रखा जा देखुंत देखते प्रधानमंत्री जो कार्यक्रम रही प्रधानमंत्री दिन 4:50 पहुंचे पश्चिमबंगर हलदिया एवं पहुंचा पर तीनोटी बड़ प्रकल्पर से शुभारंभ करेंगे लोकार्पण करेंगे मिशन पूर्वोदय अंशस्वरूप जो प्रकल्प गुड़िकरे अच्छी धोबी दुर्गापुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन शुभारंभ हो 2433 कोटी व्यय प्रकल्प या 2018 मसीह जहाँ लक्ष्य रखा जा विशेषकर झारखंड रो सिंद्री सार कारखाना अच्छी दुर्गापुर जो मैट्रिक्स फर्टिलाइजर सार कारखाना अच्छी दुईट सार कारखाना पुनरुद्धार हम ये प्रकल्प द्वारा एवं जो पाइप लाइन जोगे प्राकृतिक गैस आसवे 348 किलोमीटर अर्थात धोबी ठारू दुर्गापुर पर्यंत पश्चिमबंगर दुर्गापुर पर्यंत बिहार धोबी ठारू दुर्गापुर पर्यंत पाइप लाइन आसुची 348 किलोमीटर जार लेंथ रही द्वारा ये जो पाइप लाइन काम द्वारा 11 लक्ष मानव दिवस सृष्टि करा जाई छी एकथा कुआ जाई छी ये हूँ सब बड़ प्रकल्प पश्चिमबंग प्रथम थर पर प्राकृतिक गैस पाइप जोगे लोके घर पाइपर द्वितीय प्रकल्प कथा जब आप देखिए एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनाल जहाँ तैयारी होई शुभ उद्घाटन हो हजार 97 कोटी टंका व्यय निर्माण हजार लोके सीधा सड़क निजुक्ति पाइबे तो ये दुईट बड़ प्रकल्प रही सहित 190 कोटी टंकार जातीय राजपथ 41 नंबर जातीय राजपथर फोर लेन फ्लाईओवर लोकार्पण ये तीनोटी कार्यक्रम लोकार्पण कार्यक्रम बाद आउ गोटे कार्यक्रम रही
2020 ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲର ଯୋଉ ହଳଦିଆ ରିଫାଇନାରୀର ଦ୍ୱିତୀୟ କାଟାଲିଟିକ୍ ଡି ୱାକ୍ସିଂ ୟୁନିଟ୍ର ତାର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଯିବ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଶିଳାନ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ବାକି ତିନୋଟି ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ଲୋକାର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ଗସ୍ତରେ ଏହି ଚାରୋଟି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଯାହା 4,700 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ 4ଟି ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ମୋଦି। ଏବଂ ମୋଦିଙ୍କ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଗତକାଲି କଥା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ବିଜେପି କ୍ୟାମ୍ପ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ସେ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। କର୍ମୀଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଥିଲା ଏବଂ କେବଳ ସେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ, ଆଉ 2-3 ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଯାଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଧୋବି ଦୁର୍ଗାପୁର ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ହେବ ଦୁର୍ଗାପୁର ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ମାଟ୍ରିକ୍ସ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ୟୁନିଟ୍ ଅଛି ତା ଭିତରେ ପରିଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ। ଏବଂ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ LPG ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଟର୍ମିନାଲ ରହିଛି, ବାକି ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରହିଛି ଯାହା ମୁଁ କହିଲି, ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। ହଳଦିଆ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରହିଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ସେଠି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଲେବର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ବିଗତ 3 ଦିନ ଧରି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯେଉଁ ରହିଛି, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅଧୀନରେ 3ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ରହିଛି ଏବଂ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ରହିଛି। ତ ଏସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ସହ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ମିଶନ ପୂର୍ବୋଦୟର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ଯେହେତୁ ଫୋକସରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ 4ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ 4,700 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ରହିବ। ବିସ୍ମିତ ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ଆଗକୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନ ରହୁଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଗସ୍ତ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯିବ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ତେବେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏହା ବିଜେପି ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଫଳପ୍ରଦ ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ତ ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଇଏ ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ ରହୁଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, କେବଳ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କଥା ନୁହେଁ, ଇଏ ମିଶନ ପୂର୍ବୋଦୟର ଫୋକସରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରହିଛି। ତା ସହିତ ପୂର୍ବ ଭାରତର ଯୋଉ ରହିଛି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବ, ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବ। ତ କେବଳ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଫୋକସରେ ନାହିଁ, ମିଶନ ପୂର୍ବୋଦୟ ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅନେକ ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଶ୍ଚିମ ତୁଳନାରେ ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମ ପରିମାଣରେ ବିକାଶ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ସମ ପରିମାଣରେ ବିକାଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ କଥା ମୁଁ କହିଲି, 2,433 କୋଟିର ଧୋବି ଦୁର୍ଗାପୁର ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରହିଛି, ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ତା ଦ୍ୱାରା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ଗଲେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ହେବ। ସେମିତି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, LPG ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଟର୍ମିନାଲ ଯେଉଁ ରହିଛି 1,000 କୋଟିର, ସେ କେବଳ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ପୂର୍ବ ଭାରତର ଅନେକ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ LPGର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବ। ସେମିତି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, 1,020 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲର ହଳଦିଆ ରିଫାଇନାରୀ ରହିଛି, କାଟାଲିଟିକ୍ ଡି ୱାକ୍ସିଂ ୟୁନିଟ୍, ତାର ମଧ୍ୟ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଯିବ। ଏ ପୁରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଗୋଟିଏ ପଟରେ ବିକାଶର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଅନ୍ୟପଟରେ ରାଜନୈତିକ ମାହୋଲ କଥା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯାହା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଯଦିଓ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ, ତଥାପି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସରଗରମ ରାଜନୀତି ବାତାବରଣ ସରଗରମ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଗତକାଲି JP ନଡ୍ଡା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ BJPର ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ନବଦ୍ୱୀପରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ରଥଯାତ୍ରା ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 5ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏ ରଥଯାତ୍ରା BJPର ମାସେ ଧରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ବିସ୍ମିତ ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଦୁର୍ଘଟଣା ନା ହତ୍ୟା, ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ପାୱାରଫୁଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ଆସିଲା ନୂଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିବା ପରେ ବଢ଼ିଲା ସନ୍ଦେହ। ଦୁର୍ଘଟଣାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଏବେ ଘଟଣା ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ରହିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ନା ହତ୍ୟା, ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ପାୱାରଫୁଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ନୂଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିବା ପରେ ବଢ଼ିଲା ସନ୍ଦେହ। ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ସନ୍ଦେହ ଘନୀଭୂତ ହେଉଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ପ୍ରଘଟ ନ ହେବା ପାଇଁ ହତ୍ୟା କି? ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କୁ ଲୁଚାଇ ରଖିବା ସାଟଗାଣ୍ଠରେ ପୋଲିସ ବି ସାମିଲ କି? ଟାଙ୍ଗୀ ଗୋବିନ୍ଦପୁରର
এই স্থানরে পড়িছিলা মাহাঙ্গা ডবল মর্ডর কেসর অভিযুক্ত প্রফুল্ল বিশ্বাঙ্কর মৃতদেহ। প্রফুল্ল হচ্ছেন কুলমণি বিশ্বাল ও দিব্য সিং বরাড়া হত্যা ঘটনার অভিযুক্ত। আউ এই স্থানঠার মাত্র কেই মিটর দূরের জেনা ট্রান্সপোর্ট, যা হচ্ছে মন্ত্রী তথা মাহাঙ্গা বিধায়ক প্রতাপ জেনাঙ্ পরিবার। আউ মন্ত্রী প্রতাপ জেনা মাহাঙ্গা ডবল মর্ডর কেসর অভিযুক্ত, আউ তাঙ্ক নারে 302 দফার এফআইআর বি রুজু হয়েছে। আউ এই কারণর এবে সন্দেহ ঘরে পাওয়ারফুল মন্ত্রী প্রতাপ জেনা। এহা এক সুচিন্তিত হত্যা ও এয়া পছরে মন্ত্রী প্রতাপ জেনাকর হাত থিবা অভিযোগ আনিছন্তি উভয় বিজেপি ও কংগ্রেস। সেপটে মন্ত্রী প্রতাপ জেনা তদন্ত পরিসরকু আসুনথিবারু বিজেপির প্রতিবাদ জারি রয়েছে। প্রতাপ জেনাক মাহাঙ্গা গস্তকু বিরোধ করি বিজেপি কর্মী কড়াপটি লগেই আন্দোলন করিছন্তি। দুর্ঘটনা নুহে হত্যা, এই সন্দেহ এথিপাই বড়ুছি প্রফুল্ল চড়াউথিবা বাইকর কিছি হইনাই। মোবাইল হেলমেট বি অক্ষত রয়েছে, পারিপার্শ্বিক স্থিতি বি হত্যা সন্দেহ বড়ুছি। তাকু যেভাবে ভাবে গাড়ি চড়েছি কোনসি সন্দেহ পরিসরভুক্ত নিশ্চিন্ত ভাবে আসু, তা কারণ হচ্ছে দুইটি কারণ। গোটে কথা হচ্ছে ইয়ে লোক যে মুখ্য অভিযুক্ত সিলে কোটি এবং আজ তাঁর মৃতদেহ মিলুচি, তাঁর মোটরসাইকেল সেটি মিলিছি, তাঁর ব্যাগ সেটি মিলিছি এবং তাকু নিশ্চিন্ত ভাবে কোণী না কোণী ভাবে আমার মধ্যে বিভিন্ন আপনার বিভিন্ন সোর্স থিব যে তাকু ইয়ে বহুত কথা জাঁথিলে মুখ্য অভিযুক্তকু সেমানে লুচাইকি রাখিলে। যেতবে সবু অভিযুক্ত ধরা পড়ছেন মুখ্য অভিযুক্ত রয়েছে তাকে লুচাইকি রখা যাই এবং তাকে আজ কোণী না কোণী কারণর সে কিছু কথা প্রঘট করে দেব শাসক দল বিরুদ্ধে, কোণী কথা প্রঘট করে দেব, সেপাই তাকে বিধিবদ্ধ ভাবে ইয়ে গোটে হত্যা বলে অনুমান করুছু আমি ভারতীয় জনতা পার্টি অনুমান করছি। যদি প্রকৃতির নিরপেক্ষ তদন্ত হুয়ে তাহলে জনা পড়ি পছরে কে কে অনেক এবং তাকে কে কে মর্ডর করছেন, সে তো দুই জনকে মর্ডর কলে এবং আকু মধ্যে মর্ডর করে হটাই দিয়া গলা সবু সাক্ষী প্রমাণ সহ, কিছু বাহারবনি যেমনি জনা পড়ব ভবিষ্যতে যে কেই এতে মিলিলে সেপাই কেসের খলাস করে দিয়া গলা। নিশ্চিত ভাবে সে মোবাইল ফোন ধরলে বহু জিনিস মিলব, মোর কাই বিশ্বাস সে মোবাইল ফোন তার নুহে, কোণী আউ গোটে মোবাইল তাকে ধরে দিয়া যাইছে যে ফোনে কিছু নথিব এ মধ্যে স্পষ্ট, কাইকি যদি এই ফোন নম্বরে সে কথাবার্তা হোলা পুলিশ নিশ্চিত ভাবে ট্রাকিং করথিব, আর যদি তার অরিজিনাল ফোনে সে একথা সম্ভব হয়েছি তাহলে নিশ্চিত ভাবে জনা পড়ব যে সে ফোনে সে কা কা সহিত কথা হয়েছি, তা ফোন সুরক্ষিত অছি, তা মোটরসাইকেল সুরক্ষিত অছি, তা ব্যাগ মধ্যে সুরক্ষিত অছি, কিন্তু সে মরি যাইছি, এতুরু স্পষ্ট জনা পড়ছে এটা ক্লিয়ার মর্ডর কেস। পুরা ঘটনাকু নেই প্রশ্ন উঠিছে, প্রফুল্ল বিশ্বাঙ্কু কাহি গিরফ করা যাই নথিলা, জানিশুনি লুচাইতলা কি প্রফুল্লঙ্কু, মুখ্য অভিযুক্তকু লুচাই যাইতলা কি, তাহলে সত প্রকট হইযিব সেতিপাই এ হত্যা, এ সবু পছরে কাহার হাত, কিয়ে মাস্টার মাইন্ড, পুলিশ নিরপেক্ষ তদন্ত করিব তো। ভিডিওর পাখে তাঁর মোটরসাইকেল অছি, তাঁর গোটে ব্যাগ অছি, সে ব্যাগরে তাঁর হেলমেট অছি, গোটে ড্রেস পটা কিছু অছি, তাঁর গাড়ির ইন্স্যুরান্স কাগজ অছি, নাই তাঁর পরিবার বর্গ ফোন পাইকিরি আমি তাঁর পকেটরু গোটে ফোন নম্বর মিলিছিলা, সে ফোনরে আমি কল কলা পরে তাঁর মেসেজ ধরলে, মেসেজ ধরলা পরে তাঁর পরিবার লোক আসিলে থানাকু আসিলে। জানুয়ারি 2 তারিখে মাহাঙ্গারে বিজেপি নেতা কুলমণি বরাড় ও দিব্য সিং বরাড় অতি নৃশংস ভাবে হত্যা করা যাইতলা। অন্য মানক সহ মন্ত্রী তথা স্থানীয় বিধায়ক প্রতাপ জেনাক না মধ্য এফআইআর হইতিলা, দফা 302 বি লাগিতিলা, হলে বর্তমান পর্যন্ত তদন্ত পরিসরকু আসি নাহাতি মন্ত্রী, আউ এবে প্রফুল্লঙ্ক মৃতদেহ মিলিবা সন্দেহকু ঘনীভূত করু নাই কি। টাঙ্গি গোবিন্দপুরু ক্যামেরা পর্সন সুমন সাহুঙ্ক সহ রোশন নথ ও কটকরু বিশ্বজিৎ দাস ও মাহাঙ্গারু শিবানী সাহুঙ্ক রিপোর্ট অর্গস নিউজ। তবে সম্পর্কিত অধিক সূচনা পাই আমার সহিত জড়াইছন্তি আমার প্রতিনিধি সন্তোষ জানা। সন্তোষ, যেভাবে ভাবে এই ঘটনা এক প্রকার নূয়া এক মোড়কু যদি কহবা আমাকে টাণি নেউছি, সবুঠু বড় কথা হচ্ছে প্রফুল্ল বিশ্বাঙ্ক মৃতদেহ মিলবা পরে সমস্ত এক প্রকার সন্দেহ গাড়ুছি, তা সে সন্দেহ হচ্ছে যদি কহবা কি প্রফুল্ল মল্লিকু জানিশুনি কেউটি লুচা যাই আর যেতবে সবু কথা সামনাকু আসব সেতবে তাঁকু হত্যা করা যাই এ কথা সাধারণ প্রশ্নবাজী সৃষ্টি হচ্ছে।
निश्चित विस्मी देखु बर्तमान आम प्रफुल्ल विश्वाल शशुर घरे उपस्थित अच्छा समस्ते बर्तमान दुखरे अच्छा कहीं गत काली शव सत्कार कर स्वर्गद्वार बहुत विलंबित राति आसी घरे पहुंची सहित कथबार्ता करूँ समस्ते दुखने निर्माण हो पड़ती या सहित बर्तमान समय प्रफुल्ल विश्वाल मृत्यु को लेकिन जो भाई भाव में गोटे नुआ सस्पेन्स देखा कहीं जोटी बर्तमान समय मृतदेह मिली से ना कौन गाड़ी क्षति होना बैग ना तांको हेलमेट अर्थात जदि कौन दुर्घटना जनित घटना घटी था ताले हुए तो कौन क्षति हवा सहित गाड़ी हेलमेट एगुड़िकर सब क्षति होता कि सब आश्चर्यकर कथा होते बड़े दुईज बीजेपी नेता हत्या घटला से मुख्य अभियुक्त भाव प्रकाश प्रफुल्ल विश्वाल ना रही सहित तो प्रफुल्ल विश्वाल सहित तो आउ किए किए थे एम रही किसी जन को गिरफ्तार लुचेक रखा बोली अभियोग काले से सब कथा सामना को आनी देबे एवं किए प्रवर्ताई अथवा कुलमणि बराल और दिव्य सिंह बराल को रास्तार हटेबापी किए कही एमती अनेक कि कथा पाखे थी हूँ तो पुलिस जदि धरीपारी था सब तथ्य सामना को आसी था कि भाव में प्री प्लानिंग होता किभली भाव में मर्डर रीन क्रिएट कराई एक सब सामना को आसी था केवल से घटना नुह पर लोक सहित आम आलोचना करूँ शशुर घर लोक पुलिस नहीं कि बारंबार पचराउचरा कर कौटना कौटि से दीर्घ दिन धरी फेरार थे और सी क्योंठी थे किभली थे एक जो मैंने लुचे रखी थे से कथा से जानते हुए तो कौन प्रकार प्रतिद्वंदीमूलक परिस्थिति सृष्टि होतापे ना प्रफुल्ल विश्वाल नहीं गोटे डर लगी पाए काले प्रफुल्ल विश्वाल हत्यार षड्यंत्र कथा सामना को आनीदेवे और सब कथा खोलीदे से हत्या करता बर्तमान अभियोग आसूसी उभय बीजेपी कांग्रेस सीधासलख मंत्री प्रताप जेना टार्गेट कर हत्या षड्यंत्र पचरे हाथ थीपे कहीं जोटी प्रफुल्ल विश्वाल मृतदेह मिली अर्थात दुर्घटना जनित मृत्यु होता कथा कह तार कई मीटर दूर में गोटे ट्रांसपोर्ट कंपनी अच्छी जो कंपनी प्रताप जेना परिवार लोकंर अर्थात कौटना कौटि ये षड्यंत्र ट्रांसपोर्ट कंपनी ही षड्यंत्र वर्तमान समय सूचना आसूसी या सहित किभली भाव में हत्या करा कहीं दुर्घटना जनित मृत्युर रूप दि जाऊँगी प्रकृति में दुर्घटना जदि है कहीं गाड़ी हेलमेट बैग ये सब सुरक्षित रहा मोबाइल भी सुरक्षित रहा और कहीं मृत्यु है एक बर्तमान प्रश्न आसी शशुर घर लोक सहित आम आलोचना करने आसलु कितु जेहेतु समस्ते बर्तमान समय गोटे शोकर परिस्थित सृष्टि समस्ते का स्वर्गद्वार विलंबित राति आने वर्तमान समय प्रतिक्रिया देखा मना करु एक से प्रफुल्ल विश्वाल को नहीं जो शशुर घर पर लोक पुलिस पक्ष पचराउचरा कर बारंबार थाना को नि पचरा एवं ये सब घटना जो सामना को आसला से माने भी वर्तमान गोटे आश्चर्यचकित अवस्था अच्छा दुर्घटना है संतोष आउ गोटे कथा सामना को आसूसी जदि कहीपर पुलिस कार्यकर्ता क्योंकि शिथिल रहा कि पुलिस तत्परता देखाई था हुए तो आज प्रफुल्ल विश्वास जी अच्छा प्रफुल्ल मल्लिक क्षमा करेंगे सी हुए तो आज जीवित था जो कथा जो सस्पेन्स हुए तोदा उठी पारि था देखो निश्चित विस्मी प्रफुल्ल विश्वाल मोबाइल फोन पूरा सुरक्षित अच्छे अर्थात प्रफुल्ल विश्वाल व्यवहार करुवा मोबाइल फोन जदि पुलिस या ट्रैकिंग करके पहुँची पारि था से हत्यार शिकार होगा पूर्व पुलिस बचे पारि था किंतु पुलिस यहीपाई से घटना को ध्यान देना ये चाप पड़ा कहीं आप देखिए प्रथम रू ये चाप कथ आसूसी आज भी प्रताप जेना षड्यंत्र सामिल करवा कि भाव में तदंत परिसरभुक्त करवा एवं ता सहित जो माने भी ता प्रताप जेना नाम मध्य जो माने एफआईआर आउ बार जन ना अच्छे जो माने गिरफ होती आज जो माने नथिले से कि भाव में ट्रेस करा पुलिस कौटना कौटि एगुड़ी ध्यान दौन या सहित प्रताप जेना केवे भी तदंत परिसरभुक्त कराएनि कि थाना को डका जाए ये दाबी आज भी बीजेपी रखी या सहित प्रफुल्ल विश्वाल पाखे जदि पुलिस पहुँची पारि था पूरा मर्डर सीन रेमो देखापी चेषा कराई था और किए किए प्रवर्तले किए किए योजना प्रस्तुत कले क्यों भाव में आटाक करते भूमिका कौन थी ये सब घटना जदि सामना को आज आसी पारि था हुए तो यह एक घटना सामना को आसी न था आज हुए तो दुर्घटना जनित मृत्यु बोली वर्तमान समय साधारण को जनसाधारण को देखा किंतु उभय बीजेपी कांग्रेस वर्तमान अभियोग आणुंट जे ये हूँ शुकरपीड़ित हत्या कहीं रहस्य सब कथार रहस्य प्रफुल्ल विश्वाल को जनाथिला अर्थात दिव्य सिंह बराल कुलमणि बराल पर सहित दल सहित
या पूर्वरु प्रफुल्ल विश्वाल पूरा अंगांगी भाव जड़ित थिले एवं तांकरी समर्थन रे से तांको स्त्री सरपंच जीतिथिले तापरे धीरे धीरे कोटना कोठी शासक दल प्रलोभन रे प्रफुल्ल विश्वाल विजु जनता आड़क माइथिले एवं तापरे गोटे राजनीतिक शत्रुता आरंभ होइतला एवं जो राजनीतिक शत्रुतार हिंसा रूप नेला एवं ए हिंसार रूप ही हत्या बोली प्रमाणित होला एवं हत्यारे दुई दुई जन वरिष्ठ बीजेपी नेता प्राण हरैले एवं तापरे अभियुक्त को पुलिस खोजुला प्रफुल्ल विश्वाल दीर्घ दिन धरी फेरार थिले मोबाइल यूज करुथिले जो जो जगार रोते पुलिस एक जानता एवं तांकु लुचे रखा है बोली वर्तमान समय अभियोग एवं पुलिस जदि ये सब घटना को ध्यान दे था हुए तो आज एभली एक घटना घटी नथांता बिस्मी संतोष आउ गोटे कथा मतलब सामना को आसू जेहेतु प्रफुल्ल विश्वाल से जेहेतु लुचिकी थे केउठना केउठी तेबे सी तो निहाती भाव तांको परिवार सहित कथबार्ता होतिबे से वर्तमान जदि भी पुलिस से ऊपर जदि ध्यान दियंता हुए तो केउना केउठी क्षेत्र मध्य किछिटा सत सामना को आसी परंता एवं परिवार पक्षर मध्य किछि प्रतिक्रिया आसी परंता निस्तब्ध बिस्मी आउ गोटे सूचना मध्य मिलुछि प्रफुल्ल विश्वाल दुई दिन पूर्वरु कुलमणि बराळंक पुओंक मोबाइल को फोन करथिले एवं हठात गोटे अननोन नंबर आसला एवं जेतेबेले प्रफुल्ल विश्वाल फोन करिसंती कुलमणि बराळ बाबूंक पुओ जानिले सेतेबेले से पूरा राग तांकर पंचम होइतला अर्थात तांकर बापांक हत्याकारी भाबरे जहांकु से चिन्हट करैचंती से तांकु फोन करबा तांकु आश्चर्यचकित लागितला किंतु सेतेबेले फोन रिसीव कले प्रफुल्ल विश्वाल दुई पद कथा कहिथिले जे मो पिला छुआ तुमकु लागिले एवं मो जीवन प्रति विपद अछि हुए तो सेतेबेले से घटना को कुलमणि बराळंक पुओ सेतिकी गुरुतर सहकारे नहीं नथिले एवं एबे गोटे चर्चा होउची जे कोटना कोटी मृत्यु पूर्वरु प्रफुल्ल विश्वाल कुलमणि बराळ बाबूंक पुओ को फोन करी एक कथा कहिथिले जे मो जीवन प्रति विपद अछि मो घर छुआपिला संसार तुमकु लागिले अर्थात प्रफुल्ल विश्वाल कोटना कोटी जाणिपारुथिले जे तांकु हत्या करिया पई षडयंत्र चलीछि एवं से जेहेतु पुलिस टू लुचिकी फेरार थिले तांकु जो माने भी सहारा पलटिथिले सेमाने भी कोनोसी प्रकार शत्रुता करिथाइ पारंती सेमाने भी हत्या करिया पई षडयंत्र करिथाइ पारंती नहले हुए तो से फोन करि नथांते कहीं कुलमणि बराळ बाबूंक सहित प्रफुल्ल विश्वाळंकर पूर्वरु संपर्क थिला एवं से तांक समर्थन रे पंचायत रे तांक जे धर्मपत्नी अछंती से सरपंच जीतिथिले एवं तापरे कोनोसी प्रकार प्रलोभन पाई शासक दल आडकु मुहाइथिले एवं हठात मृत्युर किछि दिन परे प्रफुल्ल विश्वाळ कुलमणि बराळ बाबूंक पुओ को फोन करी एभली भाबरे कहिबा एवं ए कथा गोटिए चर्चा होउछि एवं ए कथा मध्ये सुणाकु मिलुछि ए घटनाकु मध्ये आहुरी सन्देह भितरकु ठेली नउछि या सहित जो बीजेपी कांग्रेस किभली भाबरे अभियोग आणुछंती जे साधारण लोकटे भी वर्तमान मध्ये सन्देह प्रकट करु जदि जनकर रास्ता रे दुर्घटना हला ताले गाड़ी हेलमेट मोबाइल बैग ये सब सुरक्षित रहिला केमती दुर्घटना से शिकार हेतुआ व्यक्ति मृत्युवरण कला केमती आमे समस्त जानिचंती दुर्घटना हेले गाड़ी रो क्षति हुए हेलमेट रो क्षति हुए कोटना कोठी पारिपार्श्विक परिस्थिति पूरा जना पड़े जे एठी दुर्घटना रो चिन्ह वर्ण थाए किंतु सेठी जोठी दुर्घटना घटी जो ट्रांसपोर्ट कंपनी पाखरे अछि ता होची प्रताप जना जे मंत्री अछंती पंचायत राज मंत्री आईन मंत्री तांकर परिवार लोकंकर एवं ता सहित तो सेठी किभली भावे पारिपार्श्विक परिस्थिति हत्या को जमारू हत्या को इंगित करुला और दुर्घटना को जमारू सूचौ नाला एक साधारण परिप्रकाश होती सहित तो पुलिस ही एक पर्दा हटे पार जे प्रफुल्ल विश्वाल हत्या मृत्यु हत्या ना कौन प्रकार दुर्घटना बिस्मी निहाति भाव कहीं बर्तमान भी समय रही पुलिस जदि यार सठिक भाव तनाघना आरंभ कर हुए तो जो तीनो जीवन बर्तमान गला जो उपर जो पर्दा पड़े ता उठी पार बहुत धन्यवाद संतोष आप समस्त सूचना पाए पुरी रे अंतर्जातीय विमान बंदर स्थापन हेबा आशा उज्जवल प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री चिठी लिखिबार मासक परे एने केन्द्र सरकार देइछंती ग्रीन सिग्नल राज्यसभा सकारात्मक सूचना देखते बेसामरिक विमान चलाचल राष्ट्रमंत्री हरदीप सिंह पुरी खूब शीघ्र एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी स्टडी करा से कहते सेपटे जिला प्रशासन जमी चिह्नट आरंभ कर प्रस्तुति पुणि थरे ओडिशावासीक मनजिले प्रधानमंत्री मोदी ओडिशावासी को आउ एक उपहार देवा जाउछंती मोदी सरकार पुरी रे विमानबंदर स्थापन को नहीं बढ़ला आशा राज्यसभा बेसामरिक विमान चलाचल मंत्री सबुज संकेत बीजेडी सांसद प्रश्नर उत्तर केन्द्रमंत्री रखिले तथ्य खूब शीघ्र विमानबंदर नहीं हेब विजिबिलिटी स्टडी बेसामरिक विमान चलाचल राष्ट्रमंत्री हरदीप सिंह पुरी राज्यसभा बीजेडी सांसद प्रश्नर उत्तर रखिछन्ते केन्द्रमंत्री कहते खूब शीघ्र एयरपोर्ट नहीं विजिबिलिटी स्टडी करा गत जनवरी 12 तारीख में ए बाबदे भारतीय विमानबंदर प्राधिकरण एवं राज्य सरकार के मध्य आलोचना हो सारी सेपटे जिलापाल कहते एयरपोर्ट पर जिला प्रशासन पक्ष जमी चिन्हट कर
जगह निर्धारण ऐतिह्य कीर्तिराजी और अभयारण्यर सुरक्षा को आखि आगे रखी जमी निर्धारण तबे प्रस्ताव को सबुरी महल रे स्वागत करा जाय छे। ओडिसा माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक केंद्र सरकार को गोटे चिठी लिखी थे जो थे से पुरी गोटे अंतर्जातीय एयरपोर्ट महाप्रभु जगन्नाथ नाँ से नामित करके स्थापना करने अनुरोध करते टू मिनिस्टर सिविल एविएशन प्लस आम जो जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर जोटा ए वर्ल्ड हेरिटेज सिटी हिसाब से पुरी को डेवलप करने जो भुवनेश्वर एकाम क्षेत्र को डेवलप करने माननीय मुख्यमंत्री जो उद्यम अच्छी से सब दिग्क दृष्टि रखिकी पुरी इज एन आइडियल लोकेशन फॉर ए ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट आउ एयरपोर्ट हवा द्वारा से इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ स्पिरिचुअल टूरिज्म बढ़ आटा सब दृष्टि इंटरनेशनल एयरपोर्ट उपरे गुड़ाए प्रकार आलोचना चली और गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट बहुत पॉजिटिव नोट रे याकु टेकअप करू छै एटा सब माने वर्तमान डेलिब्रेशन मोड रे छि एबे किछि कहले बट भलो होबो नै किंतु सब पॉजिटिव अछि और बहुत जल्दी पॉजिटिव न्यूज मिलबो विभिन्न एरिया रे जो लोकंकर जेंते असुविधार सम्मुखन हेबे नै मंदिर को नै गिरि मध्ये मंदिर दूर जेम दूर दूरंत न होबो सेतबे ओटे प्लेस रे करा गले समस्त टूरिस्ट खुशी हे होटल आसोसीएसन तरफ बहुबार डिमांड थिला विभिन्न समय रे जोटा कि आज माननीय मुख्यमंत्री को पूरण करश्चिंत भाव ये एक सुख कथा श्रीक्षेत्र पुरी को विश्वस्तरीय ऐतिह्य नगर में परिणत करने को योजना करा जाउछे। एयरपोर्ट को महाप्रभु श्री जगन्नाथ नाम से नामित करागले जगन्नाथ संस्कृतिर प्रचार प्रसार हो पारिबो बोली कहिछंती पूर्वतन मंत्री महेश्वर महांती। मुख्यमंत्री चिठी लिखिबार मासक मध्यरे केन्द्र सरकार पक्षरु प्रस्तुति आरंभ होइछे। एबे विमान बंदर निर्माण कार्य किभलि आगुकु बढ़िबो से नै राज्य सरकार आंतरिकतार सहित व्यवस्था करंतु बोली कहिछंती पुरी विधायक जयंत षडंगी। प्रभु जगन्नाथ नाम रे अंतर्राष्ट्रीय विमान बंदर प्रस्ताव माने मुख्यमंत्री देछंती ता निश्चित भाव में गुरुत्व अधिक गुरुत्व बहन करे पुरीर आवश्यकता दृष्टि पुरीर गुरुत्व दृष्टि प्रभु जगन्नाथ मंदिर दृष्टि पुरी कोणार्क बेलाभूमि ए पुरी कोणार्क मंदिर बेलाभूमि एवं कोणार्क मंदिर चिलिका सैंक्चुरी ये समस्त पाखापाखि सब थी दृष्टि ये आंतर्जातिक विमानबंदर सब अधिक गुरुत्व बहन कर आंतर्जातिक विमानबंदर ठारू यादारा आम पुरीर इकोनोमिक ग्रो हम टूरिस्ट बढ़े सारा पृथ्वी टूरिस्ट आसवे ये कु तो सरकार भारत सरकार चाहती निहाती पक्षे जगन्नाथ धाम विकास करने का राज्य सरकार आम मुख्यमंत्री भी चाहती जगन्नाथ धाम विकास करने का तेणु किसी असुविधा हेनी मुझे भावुची भारत सरकार टंका देवे राज्य सरकार जमी जगे दबा काम आउ प्रोजेक्ट को अप्रूवल करिवार अछि। सेबडे विमान बंदर स्थापना नै सर्वनिम्न 300 एकर जमीर आवश्यकता रहिछे। एथि पई पुरी आखपाखर तीनोटी स्थान को नै आरंभ होई छि चर्चा। पुरी ब्रह्मगिरी अंचल रे थिबा सामुका प्रकल्प पुरी कोणार्क बेलाभूमि अंचल ओ चंदनपुर सत्यवादी मध्यवर्ती स्थान रे प्रकल्प आरंभ नै जमी चिन्हट होइथिबा कह जाउछे। एपडे विमान बंदर स्थापना संभावना ओ स्थिति समीक्षा नै भारतीय विमान बंदर प्राधिकरण अधिकारी खूब शीघ्र पुरी आसुथिबा सूचना मिलिछ। पुरी रो वीडियो जर्नलिस्ट सनातन क सह आलोक आशुतोष को रिपोर्ट अर्गस न्यूज। समस्त सर छि बुलेटिन के रखिबा अधिक पई आपन विजिट कर पार बे हम वेबसाइट अर्गस न्यूज। नमस्कार।